हमारा माँ बहन का इज्जत कोई अगर नीलाम करने का प्रयास करेगा तो आज आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर से 1855 का दिन उस इतिहास को हम लोग दोहराएंगे और इस हमारा आदिवासी समाज हम बचाएंगे। हमारा जमीन अगर दखल किया है भाई बोला कि हम जमीन को वापस करा देंगे। इसलिए आज मेरा विश्वास है कि देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में जो आदिवासी के साथ अत्याचार, आदिवासी का बहु बेटी के साथ जो अत्याचार, उसको रोकने के लिए एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा पार्टी नहीं है। इसलिए आज नवा कथा दो पेड़ा चेतन पेड़ा पे लपैया नियत वोट एटा रे दो कंगा बांखान में जे में महा कांग्रेस दो अब तो नवा दना नवा दिशोम दुकिन ये लात चोबुना और अब वा हिले माला समाज ना तो बोके यल बोड़े आ यदि होना खोना पन बंशा हुआ एंकल उपल महा छापरे के वोट पे मा नवा मेमेली है चकना आदो मा आज हमारा भी बोरियो भी जाना है। हम यही आप लोग को निमंत्रण दे के जा रहा हूँ। अगर झारखंड में शांतल परगना सिंधु कानू धरती में बांग्लादेश को रुकना है, बांग्लादेश को भगाना है तो आप कमल छप पर ही बॉटम दबाइएगा, दूसरा छप नहीं। कांग्रेस हर समय आदिवासी के ऊपर गोली चलाया है, यहाँ बाजी गोली कांड भी कांग्रेस ही चलाया है। कोल्हान ने कई जगह में गोली कांड किया है, कभी आदिवासी का हित में कांग्रेस नहीं हो सकता है। और कोई भी उसका साथ यदि गठबंधन किया है तो यहाँ आदिवासी का उत्थान नहीं होगा, आदिवासी बर्बाद होगा, आदिवासी का जमीन छीनते जाएगा छीनते जाएगा। ये कांग्रेस कभी भी झारखंड को भला नहीं कर सकता है। आरजेडी भी वही है, सीएमएम भी वही लोगों का झोला में है। इसीलिए आपको शांतल परगना बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठ को घर फेंकना है और अपना समाज अपना बहु बेटी का इज्जत को बचाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है तो आपको कमल छाप में ही आपको वोट देना होगा। आज देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ही भारत आपको साथ देगा और आपका झारखंड यदि अलग राज हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी ही दिया है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री भाई अटल बिहारी वाजपेयी ही झारखंड का दर्द समझा, आदिवासी मूलवासी का दर्द समझा, झारखंड आंदोलन नजदीक से देखा और झारखंड को अलग राज कर दिया है। इसलिए आज हर समय आदिवासी का हित में भाजपा ही आपको सम्मान दिया है। ये लोग गलत प्रचार करता है, बोलता है भाजपा कभी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है, ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। ये जेएमएमडी वही रास्ता में कांग्रेस का रास्ता में है, आरजेडी भी कांग्रेस का रास्ता में अपना अपना जो कांग्रेस का है वही कहेगा। इसलिए झारखंड को ये जो दुर्दशा करने का संतान परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो छाया मिला हुआ है ये सरकार दिया है। इसलिए आदिवासी के ऊपर लोग जुलूम, आदिवासी का ऊपर में अत्याचार, आदिवासी का जमीन छीन के घर बनाना, ये उनका उनका सहयोग के रूप में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी है, नहीं तो एक दिन भी ये आवाज नहीं किया। क्यों आज भी उनका हता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, हम चुनौती देते हैं जिस गांव को लोग मिटाया है उसी गांव में खड़ा करके हम बोलेंगे इस गांव का आदिवासी परिवार कहां चल गया है, इस जमीन का खतियान को देखो, यहाँ का आदिवासी लोग था, शांतल समाज था, वो लोग कहां चल गया है, उस जगह में कौन परिवार आके बस गया है, हम चुनौती देते हैं।
इसीलिए आज ये जो और लोग कहता है या बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, हम उसी जगह में खड़ा होकर कहेंगे जिस धरती में दर्जन दर्जन गांव मिट गया है, जहां आदिवासी लोग रहते थे, उनका सारा जमीन को कब्जा कर लिया है, उनका सारा देवस्थान को कब्जा कर दिया है, हम उस जमीन में खड़ा होकर कहने के लिए आया हूं। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, इस बार का लड़ाई संताल परगना बचाना है, सिद्धू कानू को बचाना है, सिद्धू कानू धरती को बचाना है, और आदिवासी महिला को अत्याचार से बचाना है, भ्रष्टाचार पर रुकना है। इसके लिए आपको कमल छाप पर ही वोट दीजिएगा, और हमारा बाबूधान मोरमो को आप लोग कमल छाप पर वोट देके हमारी मौसम से आप लोग विजयी बनाइए, इसका लिए कहने आया है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय श्री राम।